हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए फ्रेंड्स, ये इवनिंग का समय है और मेरा थोड़ा सा गला ख़राब था और तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। मैंने इसमें कड़क चाय बनाया है। देखिए, इसमें काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची या तुलसी पत्ता लिया है। इसे मैंने कूट कर गिलास में के बारीक कर लिया है। उसके बाद देखिए, मैं इंडक्शन पे गिलास में ही जो मैं कूटी थी उसी में मैं पानी डालकर डाल लूँगी इंडक्शन पे, और इसे मैं पानी उबलने तक छोड़ दूंगी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा उबलने लगेगा फ्रेंड्स, तो लाल हो जाता है ऐसा ही, लेकिन फिर भी मैं उसे में थोड़ा सा चाय पत्ती डाल देती हूँ, थोड़ा सा लाल होने के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा लाल होने के लिए। और उसके बाद में 3 छोटे छोटे चम्मच मैंने चीनी इसमें डाला है। आपको जितना मीठा रखना है आप उस हिसाब से आप रख सकते हैं। और फिर इसका जब चीनी चाय पत्ती सब मिक्स हो गया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके मैंने इसमें डाला है। और उसके बाद मैंने ये बना कर पिया। उसके बाद गला मेरा बहुत ही अच्छा हो गया था फ्रेंड्स। आप लोग भी बना कर देखिएगा, बहुत ही अच्छा हो जाता है। और देखिए मेरा बन गया है। और इसे मैं 2 कप गिलास और 1 कप में छान कर मैं रख लूँगी, और एक मैं लूँगी और एक मेरी सासू माँ को मैं देने जा रही हूँ। हो गया, देखिए मेरी सासू माँ को मैंने चाय दे दिया है। उसके बाद मैं भिंडी का भुंजिया बनाने जा रही हूँ आज रात को। भिंडी का भुंजिया और रोटी मैं डिनर में मैं बनाऊँगी। और मैंने फटाफट काट लिया है भिंडी का भुंजिया। और यहाँ पे टिया मोबाइल के लिए घूम रही है, बोल रही है कि मोबाइल हमको चाहिए कार्टून देखने के लिए। तो मैं मोबाइल से कैमरा से शूट कर रही थी फ्रेंड्स, तो इस वजह से मैं उसे नहीं दे पा रही थी और बार बार परेशान कर रही है कि मुझे मोबाइल चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे गैस पे चढ़ा देती हूँ, और चढ़ाने के बाद क्या होता है कि तेल गर्म भी नहीं होता है और मेरा गैस ख़त्म हो जाता है, और अचानक ही ख़त्म हो जाता, पता ही नहीं चला कि गैस ख़त्म हो गई है। फिर उसके बाद मुझे दूसरे कढ़ाई में, लोहा का कढ़ाई में इंडक्शन पे करके चढ़ाना पड़ा, और मैं इंडक्शन पे ही भुंजिया को मैं भूंज कर तैयार कर ली। और रोटी भी मैंने इंडक्शन पर ही मैं बनाई हूँ, और मेरा भुंजिया हो गया था फ्रेंड्स। देखिए मैं इंडक्शन पे ही रोटी बना रही हूँ। और मेरा, मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर पाई फ्रेंड्स। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मैं मिलूँ नेक्स्ट वीडियो।